फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ये सब अमेज़न के हैं और ये होम एंड किचन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर को क्लीनिंग करने में काम आएंगी। और ऑनेस्ट रिव्यू तो हम आपको देंगे ही। अगर आपको कुछ भी खरीदना हो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बाकी साइट्स के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड मीशो प्रोडक्ट्स में होते हो इसलिए मीशो के ही ज़्यादातर शेयर करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आपको देखना है तो मैं अमेज़ॉन से भी कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे, अपने हॉल वीडियोज़ में शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रोडक्ट्स क्या क्या मंगाए हमने। सबसे पहला प्रोडक्ट है एक कटलरी होल्डर, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा है जो कि अमेज़ॉन में ही मिला मेरे को, ये मीशो में नहीं है, हमने ट्राई चेक किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ना एक बॉक्स टाइप आता है जो कि कवर के साथ है, मतलब लिड आते हैं इसके ऊपर, जिससे आपके जो भी स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, वो बहुत क्लीन रहेंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ना इसमें पार्टीशन बना हुआ है और ये इस तरह से निकल जाता है। इसके नीचे होल्स हैं जिससे आप अगर गीले भी डाल देते हैं ना, अगर आपके जो स्पून्स हैं, फोक्स हैं, वो सारे गीले भी हैं तो पानी यहाँ से निकल के इसमें कलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप आराम से निकाल के फेंक सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसके ऊपर ये लिड लगता है और काफी बड़ा है, जिसमें बहुत सारे स्पून्स, नाइफ्स डाल सकते हैं आप, स्पून्स डाल सकते हैं, नाइफ्स डाल सकते हैं, फोक्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, प्लास्टिक है, एकदम सॉलिड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, काफी अच्छा है ये। एक्चुअली मेरी दीदी के घर में है, हमने उसके यहाँ देखा था तो फिर उसने बताया कि अमेज़ॉन से लिया था, इसलिए हमने सोचा कि हम शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्राइस 650 का है लेकिन वर्थ प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है ये, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आइटम है एक इस तरह का ना एक टूल है जो कि ये ना कॉफ़ी फ्रॉथर है। तो देखिए इसको मेरे को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी यूज़ किया है हमने। अब हम आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी यूनिक डिफरेंट चीज़ें हम खोजते ही रहते हैं कि अगर मिल जाता है तो हमारे किचन का काम आसान हो जाता है। तो देखिए ये हमने इसको ख़रीदा था 5-6 महीने पहले और हम इसको बहुत रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का आता है, वैसे बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, इस तरह का एक मग है और इसमें ये मिल जाता है लिड। लिड में आपको लिड के साथ ही आप फ्रॉथ कर सकते हैं, जैसे आपने कॉफ़ी इसमें डाल दिया और दूध डाल दिया और उसके बाद आपको बस ऐसे से करना है और बहुत अच्छे से आपका कॉफ़ी रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको आप यूज़ करने के बाद आप इसको जितना भी वॉश कर लो, प्रॉब्लम यह है कि आप इसको यूज़ करने के बाद कितना भी वॉश कर लो, इसको कितना भी धूप में सुखा दो, क्योंकि हमने इसको धूप में रख रख के सुखाया है, फिर भी इसको अगर आप 2 दिन छोड़ देंगे ना तो ये देखिए किस तरह से हो जाता है, यहाँ पे ना काला सा पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ मेरे को इसमें पसंद नहीं आई, जिसको आप मतलब इस तरह से रखते हैं तो 2 दिन के बाद इसमें स्मेल भी आ जाती है, तो इस वजह से मेरे को ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया। अदरवाइज़ काम तो बहुत अच्छा करता है। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको अच्छे से वॉश करके एकदम क्लीन करके रखने का तो प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा, अदरवाइज़ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, क्वालिटी भी अच्छी है। फ्रॉथ करके आप कॉफ़ी बनाएंगे और आप अपने गेस्ट को भी खुश कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बन जाता है इसमें कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हम आपको दिखाएंगे एक ऑयल डिस्पेंसर, जो कि अगेन मेरे को ये मीशो में नहीं मिला, क्योंकि हमने मीशो में पहले ही ढूंढा था, क्योंकि प्राइस का काफ़ी फ़र्क रहता है तो हमने सोचा उसी में वहीं से ख़रीद लेते हैं। ये ऑयल डिस्पेंसर नॉर्मली ये तो हम देखते ही हैं, काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन वो हाफ लीटर में मिलते हैं, मेरे को चाहिए 1 लीटर में। और ये देखिए ये 1 लीटर का है, बहुत अच्छी लिड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है और सेट ऑफ 2 में आया है ये। इसका प्राइस अराउंड 450 का था, उस हिसाब से अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करेंगे। क्या है ना, हाफ लीटर का जो बॉटल लेते हैं ना, फिर वो जो ऑयल हमारे पास आता है वो 1 लीटर का आता है, मेरे पास 1 लीटर का ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं या फिर बॉटल्स होते हैं हम वो मंगाते हैं, तो उसको आधा डालो हाफ लीटर वाला 500 ml में और फिर आधा ऐसे ही रखना पड़ जाता है, तो इसलिए हम देख रहे थे कि 1 लीटर का मिल जाए, एक ही साथ आ जाए सारा। तो ये देखिए ये मेरे को मिल गया और बहुत अच्छी क्वालिटी में है, डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ 2 है ये, 2 बॉटल्स मिलेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि हम आपको दिखाएंगे। ये माइक्रोफाइबर के क्लॉथ्स हमने मंगाए हैं,
सेट ऑफ फोर आया है और ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा अच्छा है, मतलब देख के तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हम छू के बता रहे हैं आपको, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने गाड़ी को क्लीन करने के लिए, जैसे कार को क्लीन करने के लिए भी यूज हो सकता है, डस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, 4 पीसेस मिलेंगे, ये भी आप ले सकते हो, वॉश करके अच्छे से यूज कर सकते हो, मतलब काफी ज्यादा यूज हो सकता है ये। नेक्स्ट आइटम है एक ना बैग का सेट है जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैग्स। ये बैग्स हैं आपके वेजीज के लिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखने के लिए। तो देखिए ये वॉशेबल मंगाया है हमने और ये मटेरियल एक्चुअली ये क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ है, जालीदार क्लॉथ है, मैश मटेरियल नहीं है, कपड़ा है ये जिसको आप बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं, कॉटन मटेरियल में है। ये 6 बैग्स मिलेगा जिसको आप सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब हम सामान खरीदने भी जाते हैं, जैसे अगर हम सब्जियां लेने जाते हैं तो भी हम बैग में, एक ही बैग में सब कुछ डाल के ले आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में उसको निकालना, तो आप इसमें एक एक करके अलग अलग डलवा भी सकते हो, सब्जियां डलवा सकते हो, या फिर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर पे आके इसको कलेक्ट करके एक एक सब्जियों को इसमें डाल के फ्रिज में रखेंगे तो मतलब ज़्यादा ढूंढना या फिर ज़्यादा मेस भी नहीं लगता, देखने में भी अच्छा लगता है, फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड लगता है और जो चीज़ चाहिए आपको एक बार में आप उसको उठा लेते हो। तो ये सब हम सोचते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये सेट ऑफ 6 बैग्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हैं और अच्छी बात वॉशेबल है तो आप इसको धो धो के बहुत बार यूज़ कर सकते हो। अब जो लास्ट प्रोडक्ट है ये है मेरे पास इस तरह का एक फ़ैन क्लीनर। तो देखिए फ़ैन क्लीन करने के लिए हमने इसको मंगाया है और ये भी माइक्रोफाइबर इसका मटेरियल है और इसमें जो पाइप दिया है ये एक्सटेंड हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सटेंड करके अपने फ़ैन को आराम से क्लीन कर सकते हो। मटेरियल अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आप इसको जिस तरह से फोल्ड करना चाहो आप आराम से इसको फोल्ड भी कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा है, इसकी भी क्वालिटी डेफिनेटली ये भी रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमने मंगाए हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ होती हैं आपके घर में, यूज़ होने वाली चीज़ें ये हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में देख के हमने मंगाया। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो और प्रोडक्ट्स, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर क्या आप और प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं अमेज़ॉन के। अगर आप हाँ बोलोगे तो फिर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।